hello friends welcome to my youtube class and in today's class we are going to start the next chapter and name of the chapter is air and in today's video we will cover four topics that is composition of air importance of air role of nitrogen the atmosphere or shield तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ एयर कंपोजिशन ऑफ एयर का मतलब है कि जो एयर है वो किन किन चीज़ों से बना है एज़ फॉर एग्जांपल जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था लेमोनेड कैसे बना है मतलब नींबू पानी कैसे बनता है तो नींबू पानी का अगर कोई कंपोजिशन पूछेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि नींबू पानी में वाटर होता है लेमन जूस होता है शुगर होता है सॉल्ट होता है तो दीज ऑल आर कॉल्ड कंपोजिशन तो वैसे ही एयर एयर भी कई चीज़ों का मिक्सचर है तो उसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं दे आर कॉल्ड एज कंपोजिशन ऑफ द एयर तो क्या क्या चीज़ों से एयर बना है देखते हैं एयर इज़ एन इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेस एयर जो है इनविजिबल होता है और मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है इनविजिबल मीन्स हमारी आंखों से एयर दिखाई नहीं देता है इट इज़ मेड अप ऑफ मेनली ऑफ़ नाइट्रोजन विच इज़ सेवेंटी एट परसेंट तो जो हमारा एयर है उसमें सबसे ज़्यादा जो गैस है वो है नाइट्रोजन और वो पूरा सेवेंटी एट परसेंट है मतलब अगर हम हंड्रेड परसेंट ले रहे हैं एयर को तो उस हंड्रेड में से सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन इज ट्वेंटी वन परसेंट और ऑक्सीजन ट्वेंटी वन परसेंट हो जाता है तो सेवेंटी एट और ट्वेंटी वन मिला के हो गया नाइन्टी नाइन परसेंट तो बाकी वन परसेंट क्या है तो इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर पेपर जो वाटर पेपर है वो और फिर दूसरे गैसेज हैं वो सब मिला केवल के एक परसेंट होता है वनली वन परसेंट और कौन कौन से दूसरे गैस हैं जो हमारे एयर में प्रजेंट हैं दे आर कार्बन डाईऑक्साइड गैस ओजोन गैस हीलियम गैस एंड हाइड्रोजन गैस इसके अलावा और भी बहुत छोटे छोटे गैसेस हैं तो ये सब मिला करके एयर बनता है एक चीज और आपको जानने की जरूरत है दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रजेंट इन एयर यहां हर हो गया है दैट इज एयर तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रजेंट इन एयर डिटरमाइंस द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर तो अगर एग्जाम में ह्यूमिडिटी डिफाइन करने के लिए आता है तो ये लाइन आप लोग याद रखोगे कि द अमाउंट ऑफ वाटर प्रजेंट इन एयर इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर ये डायग्राम है ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए कि कंपोजिशन ऑफ एयर जो भी हमने पढ़ा है उसको कैसे शो करेंगे तो ये पूरा सर्कल हो गया पूरा सर्कल हो गया एयर उस एयर में सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन है ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन है और बाकी वन परसेंट में क्या क्या देख लो लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर हीलियम, ओजोन हाइड्रोजन एक्सेट्रा तो दिस डायग्राम इज शोइंग द कंपोजिशन ऑफ एयर एंड दिस डायग्राम इज इम्पोर्टेंट नो इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एयर कैसे हमारे लिए यूजफुल है कैसे इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं तो एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स एंड द प्लांट तो एयर एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग जितने भी एनिमल्स हैं उन एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं इन सभी को ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए और फिर ऑक्सीजन आया कहाँ से फ्रॉम द एयर तो इस तरह से एयर एनिमल्स के लिए या ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दे ऑल नीड दिस ऑक्सीजन एवरी मिनट एंड सेकेंड ऑफ देयर लाइफ और ये ऑक्सीजन हर एक एनिमल्स के लिए चाहे ह्यूमन बींग्स के लिए उनकी ज़िंदगी के हर एक मिनट हर एक सेकेंड के लिए इंपॉर्टेंट है दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग सिस्टम तो जो वो सांस लेते हैं उस सांस में कौन सा गैस अंदर लेते हैं ऑक्सीजन अब ऑक्सीजन जरूरी क्यों है द ऑक्सीजन प्रजेंट इन द एयर इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड वॉट दे ईट तो कोई भी एनिमल जो फ़ूड खाते हैं उस फूड से अगर बॉडी में एनर्जी चाहिए तो उस एनर्जी को लिबरेट करने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है मतलब जब तक हम लोग ऑक्सीजन से ब्रीद इन नहीं करेंगे ऑक्सीजन का सांस नहीं लेंगे ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तब तक जो भी हम फूड खा रहे हैं उस फूड से एनर्जी रिलीज़ नहीं होगा और जब फूड से एनर्जी रिलीज़ नहीं होगा तो फिर हमारे बॉडी में भी एनर्जी नहीं मिलेगा ना ही हम कोई काम कर पाएंगे तो इसलिए एयर इंपॉर्टेंट है और एयर में भी क्या इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन क्योंकि ऑक्सीजन जब हम सांस लेंगे अंदर जाएगा ऑक्सीजन तो जो भी हमने फूड खाया है उस फूड में से एनर्जी रिलीज करेगा ऑक्सीजन और वही एनर्जी फिर हम अपने दूसरे कामों में यूज़ करते हैं तो जब इतना काम होता है तो बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन जाता है और फूड आइटम से एनर्जी को रिलीज करता है तो उसी समय फिर क्या होता है एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सांस के थ्रू बाहर छोड़ते हैं यानी कि ऑक्सीजन सांस से अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस सांस से बाहर छोड़ेंगे ऑक्सीजन इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑक्सीजन के हेल्प से ही कोई भी चीज़ जलती है कोई भी चीज़ अगर जलनी होगी तो वो ऑक्सीजन के हेल्प से ही जलेगी अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो चीज़ नहीं जलेगी आपके बुक में एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि आप एक छोटा सा कैंडल लेंगे और कैंडल को जलाएंगे और कैंडल को जलाने के बाद आप ग्लास से उसको ढक देंगे आप अपने बुक को खोलिए जो एयर e चैप्टर है उसमें ये दिया हुआ एक्टिविटी कि एक कैंडल लेंगे कैंडल को जलाएंगे और कैंडल को जलाने के बाद उसको एक ग्लास से ढक देंगे तो कैंडल बुझ जाएगा कैंडल क्यों बुझ जाएगा क्योंकि वो एयर उसका कट गया जो एयर सप्लाई है कैंडल का वो कट गया तो बिना एयर के जलेगा नहीं और एयर में भी कौन सा गैस चाहिए ऑक्सीजन चाहिए तो जब कैंडल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो बुझ जाएगा तो इससे पता चलता है कि ऑक्सीजन के हेल्प से ही कोई भी चीज़ें जलती हैं प्लांट रिक्वायर एयर टू लिव एंड ग्रो जिस तरह से हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा कि एनिमल्स को एयर चाहिए वैसे ही प्लांट्स को भी एयर चाहिए ज़िंदा रहने के लिए और उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो प्लांट क्या करता है जैसे हम लोग ऑक्सीजन यूज़ करते हैं वैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है और फोटोसिंथेसिस करता है टू मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ताकि वो अपना फूड बना सकें और फोटोसिंथेसिस होता कब है सनलाइट के प्रेजेंस में होता है नो नेचर मेंटेन्स बैलेंस अब नेचर जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज कर रहा है प्लांट यूज़ करते हैं ऑक्सीजन कौन यूज़ करता है एनिमल्स यूज करते हैं तो ये एयर में बैलेंस कैसे बना रहेगा तो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स यूज ऑक्सीजन प्रजेंट इन द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं ऑक्सीजन को सांस में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वहीं पर दूसरी तरफ प्लांट्स क्या करते हैं ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूज करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो यही दो प्रोसेस है एक रेस्पिरेशन है और दूसरा फोटोसिंथेसिस है जिसके थ्रू नेचर में एयर का बैलेंस बना रहता है यानी दो प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेशन के थ्रू और फोटोसिंथेसिस के थ्रू नेचर मेनटेन्स द बैलेंस ऑफ द एयर ये डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि कैसे नेचर बैलेंस कर रहा है अपने गैसेस को तो यहाँ ध्यान से देखो कि जो बॉय है दैट इज़ इन्ेलिंग ऑक्सीजन बॉय ने सांस लिया ऑक्सीजन अपने अंदर ले गया सांस लेने के बाद जब उसने सांस छोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने यूज़ किया फ़ोटोसि के लिए और जब प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया तो उसने ऑक्सीजन छोड़ा फिर वो ऑक्सीजन बॉय के पास गया तो इस तरह से साइकिल चलता रहता है और हमारे नेचर में एयर का बैलेंस बना रहता है न रोल ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी इम्पोर्टेंट गैस है उसका भी इम्पोर्टेंट रोल है नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन द एयर इज आल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स तो जो जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए जरूरी है क्योंकि प्लांट के थ्रू वो फोटोसेंसेस करता है ताकि उसको फूड मिल सके उसी तरह नाइट्रोजन गैस भी प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना नाइट्रोजन के प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाएगा नाइट्रोजन हेल्प इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ प्लांट। नाइट्रोजन प्लांट के रैपिड ग्रोथ में हेल्प करता है मतलब फटाफट ग्रो कराता है इट आल्सो हेल्प देम टू डेवलप देयर फ्रूट्स एंड सीड नाइट्रोजन के हेल्प से ही कोई भी प्लांट्स अपने फ्रूट्स या सीड्स को डेवलप कर पाता है इट आल्सो इंक्रीजेज द साइज एंड क्वांटिटी ऑफ देयर लीव्स और नाइट्रोजन प्लांट्स के लीव्स की साइज को और क्वांटिटी को भी कंट्रोल करता है देयर फोर नाइट्रोजन इज़ इम्पॉर्टेंट गैस फॉर द प्लांट्स एंड इज़ रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट तो इसलिए नाइट्रोजन गैस जो है प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होता है बट प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन लेकिन प्लांट जो हैं नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमोसफियर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं अब उसके लिए क्या करेंगे जो नाइट्रोजन गैस है वो सॉल्ट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और सॉल्ट के फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है जो सॉयल में रहने वाले बैक्टीरिया हैं वो किस फॉर्म में नाइट्रेट सॉल्ट या एमोनियम सॉल्ट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं तब जाके प्लांट्स के रूट इसको ईज़िली यूज़ कर पाते हैं और प्लांट्स के रूट जब उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उससे बनाएंगे वो प्रोटीन और फिर यही प्रोटीन प्लांट यूज़ करते हैं अपने ग्रोथ के लिए और फिर हम भी वही प्रोटीन यूज़ करते हैं प्लांट से अपने ग्रोथ के लिए तो इस तरह से नाइट्रोजन गैस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नाउ द एटमोसफियर और शील्ड एटमोसफियर एक हमारे लिए कवच है कवच मतलब कि एक ऐसा चीज़ जो हमको बाहरी चीज़ों से हार्मफुल चीज़ों से बचाए तो आवर एटमोसफियर एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड हमारा एटमोसफियर जो है हमारे लिए कवच का काम कर रहा है जस्ट लाइक अम्ब्रेला जैसे एक अम्ब्रेला कवच का, का काम करता है तो अम्ब्रेला कैसे कवच का, का काम करता है अम्ब्रेला हमको बारिश से बचाता है सन से बचाता है तो वैसे ही हमको एटमोसफियर भी बचाता है हम एटमोसफियर कैसे बचाता है एटमोसफियर में एक ओजोन गैस होता है जो कि सबसे ऊपर लेयर में होता है सबसे ऊपर लेयर में होता है और ये हमको बचाता है अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सनलाइट से सनलाइट से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही हैं उसको अर्थ पे नहीं आने देता है और इस तरह से ओजोन लेयर हमको हार्मफुल रेज से बचाता है और इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं शील्ड यानी कवच दीज अल्ट्रा वायलेट रेज कैन कॉज स्किन एंड आई डिजीज तो अगर ये शील्ड नहीं रहेगा ये एटमोस्फियर नहीं रहेगा ये ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो ये अल्ट्रावाट रेज अर्थ तक पहुंच जाएंगे अर्थ तक पहुंचने के बाद हमारे स्किन को और हमारे आइज़ को ख़राब कर देंगे एनिमल्स के और प्लांट्स के ग्रोथ को इफेक्ट करेंगे सो ओजोन लेयर इन द एयर प्रोटेक्ट द एनिमल एंड प्लांट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट तो इस तरह से हमने देखा कि ओजोन लेयर जो है हमको अल्ट्रावायलेट रेज के हार्मफुल इफेक्ट्स से बचा रहा है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि द एटमोसफियर इज़ अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर अस And thanks a lot for watching my videos. That's all in today's video. Thanks a lot.